Okay, so we begin today's session where we will be learning all about editing. Now, today is the last session, and this is a level which will or which has already given you an understanding about this industry, the job, from the job opportunities to the expected salaries, to what and exactly all these careers scope of work is. We've discussed quite a lot of things in last 5 days, and I wish if any query arises in your mind today or in future, feel free to get back to us so that we can help you actually make good in this career. Okay, so starting with the topic of all about editing. So सबसे पहले हमें समझना है, व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग है क्या? व्हाई डू वी डू एडिटिंग? हमें जरूरत क्या है एडिटिंग करने का? सो एडिटिंग इज मैनिपुलेटिंग वीडियो बाय रीअरेंजिंग डिफरेंट शॉट्स एंड सीन्स टू क्रिएट अ होल न्यू आउटपुट. मतलब हमारे पास जब शॉट्स एंड सीन्स आते हैं फ्रॉम द शूटिंग डिपार्टमेंट, या जिन्होंने शूटिंग किया है, डायरेक्टर से हमें एडिटर को आता है, तो इट इज इन मल्टीपल शॉट्स. मेरे पास बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे. अगर एक सीन के लिए 100 रीटेक लिया है, मतलब मेरे पास 100 शॉट्स तो सिर्फ वो पर्टिकुलर शॉट का होता है. एंड देर आर सो मेनी फुटेजेस जो पहले सबसे पहले तो मुझे बैठ के देखना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, एंड एक फाइनल आउटपुट लाने के लिए जो जो कंटेंट चाहिए बस उसी को पहले रीअरेंजिंग करना. सो दैट्स व्हाट इट इज, मैनिपुलेटिंग वीडियोस बाय रीअरेंजिंग डिफरेंट शॉट्स एंड सीन्स टू क्रिएट अ होल न्यू आउटपुट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हो सकता है कि हमने लास्ट सीन फर्स्ट शूट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लास्ट सीन को ही फर्स्ट सीन बनाऊंगा मूवी में. सो जो पहला वर्ड है ना, माय फर्स्ट वर्ड विच इज मैनिपुलेटिंग, मींस यू कैन नाउ हैव द लिबर्टी, या फिर आपके पास वो ऑप्शन रहेगा टू रीअरेंज द एंटायर सीक्वेंस एज इन हाउ यू वांट. सो रीअरेंजिंग डिफरेंट शॉट्स एंड सीन्स to create a whole new output. तो जो final film दिखता है ना, उसमें काफी सारे changes होते हैं. Footage नया shoot नहीं होता है, footage तो वही पुराना footage रहता है, but उसको दिखाने का तरीका, जो director's vision होता है, that is what we bring in while editing. And the editor's first job is to remove everything that is not needed. तो सबसे ज्यादा काम कटिंग का होता है, एडिटिंग का. कटिंग कटिंग कटिंग, चॉपिंग एंड रिमूविंग व्हाट एवर इज नॉट नीडेड, एंड देन जस्ट कीपिंग व्हाट इज नीडेड, और उसके बाद में रीअरेंज करो कौन सा सीन फर्स्ट आना चाहिए. हो सकता है डायरेक्टर को लास्ट सीन पहले दिखाना हो, जस्ट टू गिव एन आइडिया की स्टोरी क्या है, और फिर बाद में फ्लैश बैक में लेके चला गया, बट वो हमने शॉर्ट बाद में किया. सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द डायरेक्टर्स विजन. सो इन सिंपल वर्ड्स मैंने जैसे लिखा हुआ है यहां पर, सी आप लोग को ये जो मैं डेफिनेशन देता हूं ये कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जो सीखा है मैं वो यहां पर लिखता हूं. सो इन सिंपल वर्ड्स, स्टिचिंग टुगेदर डिफरेंट सीन्स एंड शॉट्स विद सिंपल वीडियो ट्रांजिशन इन टू वन वीडियो. स्टिचिंग टुगेदर डिफरेंट सीन्स एंड शॉर्ट्स, मल्टीपल सीन्स होते हैं, मल्टीपल शॉर्ट्स होते हैं, उनको उनके ऊपर थोड़े वीडियो ट्रांजिशंस डाले जाते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत सीजी एलिमेंट, जैसे कल हम लोग ने वीएफएक्स का काम देखा, वो भी हम उसमें शॉट्स ऐड करते हैं. ये सारे चीज को मिला के एक फाइनल वीडियो बनता है, जिसको फिर हम फाइनल आउटपुट बोलते हैं, या फिर व्हाट द फिल्म्स दैट वी सी. सो हमने बात किया था यूट्यूब चैनल के बारे में. व्हाट इफ I have a YouTube channel, okay, and my YouTube channel needs to also show that ki ye mera itna editing ho gaya hai. Or does the YouTube editing and film editing differ? No.
आप एडिटिंग यूट्यूब के लिए करो, सोशल मीडिया के लिए करो, या किसी के लिए भी करो, एडिटिंग रिमेन्स द सेम. ओके, हाँ, यूट्यूब का एडिटिंग बहुत सिंपल होता है क्योंकि हार्डली यूट्यूब पे मैक्सिमम हम लोग 30 मिनट्स का वीडियो डालते हैं, उसके ऊपर का नहीं डालते हैं. वी कैन पुट बिगर फिल्म्स आल्सो, द पॉइंट इज नॉट दैट. बट ये जो यूट्यूब के व्लॉगिंग वाले वीडियोज होते हैं, दैट आर मेजरली 2 मिनट्स, 30 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स इज द बेस्ट ड्यूरेशन विच एनीबडी एक्चुअली वॉच द वीडियो टू अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑन यूट्यूब. सो दैट इज वेयर प्रोसेस जो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होता है, वो ही सेम प्रोसेस, सॉरी, वीडियो एडिटिंग फॉर फिल्म्स के लिए यूज होता है, वो ही सेम प्रोसेस वीडियो एडिटिंग फॉर व्लॉगिंग या ऐसे कोई भी, अगर आपको अपने खुद का यूट्यूब चैनल के लिए भी करना है तो भी सेम प्रोसेस है, देयर इज नो डिफरेंस. ओके, सो दिस इज हाउ एडिटिंग हैपेंस. वीडियो एडिटिंग फंक्शंस, मोस्ट फाइनल वर्जन ऑफ, अभी मतलब मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि वीडियो एडिटिंग में किस तरह का काम होता है और क्या क्या काम होता है, सो दैट यू ऑल नो कि एक वीडियो एडिटर क्या क्या करता है. सो सबसे पहले हमें समझना है कलर करेक्शन. यस्टरडे वी सॉ कि हमने दो फुटेजेस को मैच किया था, एक बैकग्राउंड था ओके और एक फोरग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर था. तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, अगर हमने कभी फोटोशॉप पे काम किया या ऐसे अगर मैंने लॉजिकल चीजों पे काम किया तो मुझे पता है दो चीज चिपका हुआ लगता है, इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज पैच. सो टू सॉर्ट दैट पैच वर्क वी हैव टू वर्क ऑन कलर करेक्शन. बट वो पैच वर्क क्यों लगता है? इट इज वेरी सिंपल. पैच वर्क वो इसीलिए लगता है क्योंकि दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है. दैट मीन्स द लाइटिंग ऑफ द टाइम डजंट मैच. बैकग्राउंड डे में है बट मैंने हेलीकॉप्टर का शूट करते वक्त शाम हो गया था. सो वी हैव टू डू अ कलर करेक्शन. दिस वॉज वन एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, आप लोग ने गोस्ट वाले मूवीज देखे रहेंगे. जब शूट करते वक्त वो फील नहीं होता है उसमें, नॉर्मल डे लाइट या इवनिंग लाइट होता है. बट जब गोस्ट वाले मूवीज हम लोग एक्चुअली में देखते हैं, उसमें बहुत ही डार्क फीलिंग दिया गया होता है. सो वो डार्क फीलिंग को करेक्ट करने के लिए कलर करेक्शन यूज किया जाता है. तो सिमिलरली बाकी जो ऑप्शंस आप लोग देख रहे हो, एक्सपोजर एडजस्टमेंट, ब्लरिंग, फ्रेम क्रॉपिंग, ट्रिमिंग, रीसिक्वेंसिंग, क्रॉस डिसॉल्विंग, कट अवेज, फेड इन फेड आउट, ये सारे मल्टीपल टेक्निक्स है या फंक्शंस है विच एन एडिटर डस. उरुषि, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मेक श्योर आप चैट बॉक्स यूज करके आप अपना डाउट्स सामने डाल रहे हैं. ओके, थैंक यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. ये बताना बहुत जरूरी था मुझे क्योंकि कल भी मैंने आप लोग को एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताया. सो देर आर मेनी अदर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स विच आर देयर इन द मार्केट. जो प्रोफेशनल्स जो यूज करते हैं ना, वो इनमें से तीन ही ऑप्शन है, एडोब प्रीमियर, एप्पल वाला, एप्पल स्पेशली, ये सिर्फ एप्पल जितने भी मशीन होते हैं सिर्फ उस पर ही होता है, दैट इज द Apple Final Cut Pro. And there are quite a lot of people जो DaVinci Resolve, जैसे again DaVinci Resolve भी Apple के जितने machines हैं उसी पे है. I have an Apple machine, in fact, तो I use DaVinci Resolve in that. तो ये तीन ही हैं जो professionals use करते हैं, film makers का बात कर रहा हूँ मैं, जो films में काम करते हैं वो लोग या तो Final Cut Pro या तो DaVinci Resolve, लास्ट ऑप्शन उनका भी होता है प्रीमियर प्रो. ओके, सो दिस इज व्हाट, एज अ पर्सन हु नोज अबाउट एडिटिंग, यू शुड नो कि किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं फॉर एडिटिंग. बाकी और भी जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, दीज आर देयर, ये कोई भी यूज कर सकते हैं. दीज आर देयर फॉर फ्रेशर्स जो फर्स्ट टाइम एडिटिंग ट्राई करना चाहते हैं. आज जो हम लोग देखेंगे, इन शॉर्ट जो मैंने बोला, ये भी फर्स्ट टाइम यूजर्स कैन एक्चुअली यू नो यूज दिस पर्टिकुलर
सॉफ्टवेयर. सो येस्टरडे आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू ऑल अ ग्लिम्स ऑफ एडिटिंग जो प्रोफेशनली कैसे होता है, कि वो उतना बड़ा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं. बट वंस यू लर्न एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो इतना सिंपल लगने लगता है कि यू नो यू जस्ट आप स्पीड में एकदम काम करने लग जाते हो. दैट्स हाउ इट इज. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, एलिजिबिलिटी. अरे यहाँ पर एक्सक्यूज मी, मैं जस्ट क्विकली एक आई एम सॉरी एक चेंज रह गया यहाँ पर. आई फॉरगॉट टू मेंशन एडिटर. या सो एलिजिबिलिटी ऑफ टू बिकम एन एडिटर, हमें अगर एडिटर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. एज एन एडिटर देर इज नो क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड. यू कैन बी 10th फेल्ड ऑल्सो, वहां पर कोई नहीं पूछेगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है फॉर एन एडिटर. एक बार ग्राफिक डिजाइनर को पूछ सकते हैं आप 12वीं पास हो या नहीं, एटलीस्ट 12th पास एटलीस्ट दे एक्सपेक्ट. बट फॉर अ वीडियो एडिटर ऑल दे विल आस्क इज ये सॉफ्टवेयर आता है क्या तुमको. इफ यू नो दैट सॉफ्टवेयर यू हैव शोरील इन दैट वॉट यू कैन क्रिएट, दैट्स इट. सो स्किल वाइज एज आई मेंशनड, नॉलेज ऑफ फोटो एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. रिमेंबर वन थिंग, वेन यू आर एडिटिंग अ वीडियो That means you are editing multiple photos. Jaise for example, this is for your information ki 1 second film has around 25 frames of images or 30 images in 1 second to actually make it a video. I will just type this in the message box. 25 frames per second is DVPAL. This is what is used in India. Used in India. There is other option of 30 frames per सेकेंड. आप लोग अपने कैमरा के सेटिंग्स में भी देख सकते हो ये चीज को, वहां पर ऐसे लिख के आता है 30 FPS. यू हैव योर ओन मोबाइल कैमरास, उसके सेटिंग्स में आप लोग जाके देख सकते हो. यू ऑल कैन एक्चुअली चेंज. ओ आई फॉरगॉट टू मेंशन 30 FPS इज NTSC. जैसे यहां पर DVPAL बोलते हैं 25 फ्रेम्स को, वैसे ही 30 FPS को NTSC बोलते हैं, विच इज नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड. सॉरी स्पेलिंग गलत हो रहा है, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड चैनल. ओके, तो ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इफ इन केस कोई वीडियो शूट इंडिया में हो रहा है तो वो उसका सेटिंग 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे रखना पड़ता है सो दैट वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट हो पाए. तो जितने भी वीडियोस आप लोग इंडिया में देखते हो दैट हैज टू बी शॉट इन 25 फ्रेम्स पर सेकंड. अब्रॉड में जितने भी वीडियोस हम लोग देखते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब उसका क्वालिटी और हायर होता है. बट टेक्निकली अगर मैं बात करने जाऊं तो इंडिया का जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो स्लोअर है, तो स्लोअर फ्रेम्स पर सेकंड पे भी हमें वीडियो बराबर दिखता है. अब्रॉड में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो फास्ट है, तो उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड रखना पड़ता है. दैट इज द टेक्निकल साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एनीवेज, थोड़ा हैवी हो गया बट आई वॉन्टेड यू ऑल टू नो अबाउट इट. So work experience, as we all know, as I said, they want you to have a portfolio. They want you to have the skills and your showreel so that you can get into a job. Salary range remains the same even in this industry. In fact, job wise, aap log kahan kahan lag sakte ho? Aap log news channels mein lag sakte ho job. Aap log प्रोडक्शन हाउसेस में लग सकते हो जहां पर एडिटिंग होता है.
आप लोग खुद से भी ये काम करके यू कैन डू फ्रीलांसिंग, बट प्रोवाइडेड यू हैव द मशीन्स एट होम. सो व्हेन इट कम्स टू मनी, यू कैन थिंक ऑफ एज अ स्टार्टिंग विद 10,000 to 15,000 पर मंथ, बट इट कैन गो अप टू 1 lakh रुपीज पर मंथ एज इन हाउ यू प्रोग्रेस इन योर करियर. सो लेट्स नाउ एक्चुअली मूव टू InShot सॉफ्टवेयर, विच मैंने कल बोला था आप लोगों को कि हम लोग ये सॉफ्टवेयर देखेंगे हाउ टू यूज इट. सो एंड InShot सॉफ्टवेयर का कोई डेस्कटॉप वर्जन नहीं है. ओके, आई जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. देर इज नो InShot डेस्कटॉप वर्जन. सो मेक श्योर कि हमारा जो ये डेस्कटॉप वर्जन है वो नहीं है. सॉरी, देर इज नो डेस्कटॉप वर्जन. सो वॉट आई हैव टू डू इज शेयर माई मोबाइल. सो आई विल बी डूइंग दैट. तो अभी ये शेयर स्क्रीन बंद करके स्टॉप शेयर. नाउ आई विल शेयर माई मोबाइल स्क्रीन सो दैट यू ऑल कैन सी द आई हैव टू मेक him the host. Share screen. Okay, participants. Co-host. Okay, so let me check if I can share from here. Yeah, I can share screen. We'll have access to all information. That's fine. Start now. So what I will, is it visible? Yes, it is visible. InShot. Okay. So is the mobile screen visible on your this thing? Yes, sir. Okay. Okay, great. So now simultaneously mat karne ko try karna aap log ye cheez. पहले देखो समझो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली हाउ आई हैव डन इट, वो समझ लो. एंड देन लेटर ऑन टुडे इन द इवनिंग यू ऑल कैन गो अहेड एंड डू इन योर स्पेयर टाइम. ओके, आई हैव 17% बैटरी, दैट्स फाइन. सो इन शॉर्ट ऐप हैज 3 ऑप्शंस फॉर यू इन द स्टार्ट. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ वीडियो. ओके, and then you have an option of photograph, photo, collage. तो आप लोग इसको photo edit के लिए भी use कर सकते हो, collage बनाने के लिए भी use कर सकते हो, video editing के लिए भी use कर सकते हो. मैं इसको majorly use करता हूँ to video edit my quick videos. If I don't want to use Premiere, मतलब इतना बड़ा कोई काम नहीं है, quickly मुझे कुछ video edit करना है, audio डालना है, I use this immediately. That's how it is. So let's do something new today. क्रिएट, तो मैं वीडियो पे क्लिक कर रहा हूं. इफ यू कैन सी नीचे मेरे पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं. 14 मिनट्स का एक वीडियो है, 5 मिनट्स का एक वीडियो पे जिसमें मैंने काम किया, 4 मिनट, 36. तो ये लेट्स से मैं 14 मिनट्स वाला ओरिजिनल डू नॉट एग्जिस्ट. ओके, मैंने कुछ निकाल दिया, शायद इस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. 12 ड्राफ्ट. ओके, लेट मी चेक दिस. If you go on my YouTube channel, आप लोग ये वीडियो देख सकते हो. ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने यहां पर एडिट किया हुआ है. ये सेम टू सेम वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किया है. Is the audio available by any chance? Audio सुनाई दे रहा है? No, sir. No, ना? हाँ, right. मेरे को इसको स्पीकर, मैं एक मिनट स्पीकर पे रखूंगा तो फिर ऑडियो बराबर नहीं आएगा. मैंने हेडफोन इसीलिए लगाया ताकि आप लोग सुने बराबर से. लेट मी जस्ट, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं. मैं ब्लूटूथ ऑफ कर रहा हूं. एम आई ऑडिबल नाउ? यस, नो, मे बी. इसी तरह फिर अभी अभी मैं अगर वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो देखो आवाज आ रहा है क्या?
Is it audible now? No. थोड़ा भी नहीं? No. Okay. Anyways, fine. So what I wanted to show was what I'm saying is okay. Stop share. कहाँ से आ गया? What I'm saying is actually what I do. Okay. मैंने यहाँ पर ये पूरा film edit करके right मैंने ये same चीज use किया है वहाँ पर. So what now I will do is we'll create a fresh one. I'll go back video. I'll click on new. ये जो option है यहाँ पर I will click on new. So let's say if I want to take a video recently, if I worked on something, I think take this video. I think most of them I've deleted. So yeah, let's work on this video only. Okay, let's take something like this. Selected. आपको अगर मल्टीपल सिलेक्ट करना है मल्टीपल भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो. हाँ आई टेक मल्टीपल सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ मल्टीपल वीडियोस कैसे आते. तो अगर आप देख रहे हो मैंने मल्टीपल सिलेक्ट किए हैं. कुछ नहीं खाली क्लिक करना है दैट्स ऑल. मल्टीपल पे क्लिक करते जाओगे एंड जस्ट क्लिक ऑन. Now if you see the entire video is aligned. Silent कर देता हूँ so that you don't get disturbed. Okay. So what I've now done is अभी मेरा वो तीन videos aligned हुए but अभी मुझे मालूम ही नहीं तीन video किधर है क्या है. Plus एक और problem दिख रहा है कि यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा कट हुआ है तो उसको कैसे हम एक मिनट एनोटेट एनोटेशन. यहाँ देख रहे हो आप लोग डिफरेंस आ रहा है ना. ये ऐसे दिखना नहीं चाहिए एक्चुअली. तो उसको कैसे सॉर्ट करना है. फिर हमें जो जो चीजें अभी स्टॉप एनोटेशन. ओके सो व्हाट आई विल फर्स्ट डू इज सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए एडिटिंग जाने से पहले हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम में आप लोग ने देखा रहेगा स्क्वायर वीडियोस चाहिए रहता है राइट. सो यूट्यूब में हमें वाइड वीडियो चाहिए रहता है वाइड स्क्रीन वाला. सो नाउ यहाँ पर अभी ध्यान से देखो कैन यू सी द कैनवस ऑप्शन हियर ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड साइड. क्लिक ऑन दैट. अब जैसे ही आप लोग ये क्लिक कर रहे हो आप लोग को दिख रहा है कि अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑफ 1:1. ये देख रहे हो इंस्टाग्राम का लोगो भी उन लोग ने डाला है. 1:1 करूंगा तो ये मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल सकता हूँ क्योंकि अभी ये स्क्वायर में आएगा. 16:9 करता हूं तो ये यूट्यूब में आएगा. जो जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो व्हाइट में हाईलाइट हो रहा है. 9:16 टिकटॉक पे मुझे डालना है वीडियो. Exactly. So, उसमें ना खाली नहीं आएगा वीडियो. ये कैसे वीडियो प्ले होगा ये देखो इस तरह से बैकग्राउंड में कुछ एक वो डाल देगा ऑटोमेटिकली इट विल पुट. बट ऑलवेज रिमेम्बर हमें जिस प्लेटफॉर्म के लिए डालना है ये वीडियो वी हैव टू कीप इन माइंड कि वो शूट करते वक्त ही वो ही ले लें. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये इंस्टाग्राम के लिए डालना होता तो आई शुड हैव एक्चुअली while taking the video I should have done the ratio properly of 1:1 square video wala maine lena chahiye. Abhi maine actually to uske liye kiya nahi hai maine kis but galti ho gayi. Abhi sort kaise kare to yahan par if you see on the right hand side main annotate leta hu samajh mein aayega. Ye dekho can you see this option right here. Click on that. Yes, sir. When we click on that, you see what happened? अभी वो वीडियो पूरा स्क्वायर होगा. Yeah. Plus, additionally, आप ऐसे वीडियो को एडजस्ट भी कर सकते हो. मैं जस्ट
सिलेक्ट करके, मतलब ऐसे फिंगर से ही पकड़, समझ लेना कि मैं फिंगर से ऐसे लेफ्ट राइट कर रहा हूँ वीडियो को, एंड आई विल पोजिशन इट प्रॉपरली. ओके, नाउ दिस लुक्स गुड, आई वॉन्ट दिस फ्रेम टू बी सेट प्रॉपरली. नहीं तो ये ऐसे भी हम लोग अभी देख रहे हो वहां पर ओरिजिनल वीडियो, ये इस तरह से भी काम करता है. जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हो नंबर्स जो कम ज्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिक ऐसे लग रहा है मिस्टर इंडिया कर रहा है कहीं से, बट वो मैं कर रहा हूँ. वो ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि यहाँ से विजिबल नहीं रहेगा, आप लोगों को समझ में नहीं आता रहेगा वो क्या रहा है. सो इट इज दिस बटन जो आपको सिलेक्ट करके आगे पीछे जब आप उसको डायल करते हो इस तरह से, तो आपको एग्जैक्ट फ्रेम जो चाहिए वो आप लोग सेट कर सकते हो. नाउ प्रेस ऑन द दिस बटन. ये बटन क्या करेगा, इस तरह से वीडियो को यूज करेगा. सो लेट्स डू दैट. आई क्लिक्ड ऑन इट. सो नाउ कैन यू सी माय एंटायर वीडियो हैज कम दैट वे. ओके, नाउ सो ऑलवेज रिमेंबर, आई रिपीट, फर्स्ट थिंग टू बी डन इज टू चेक योर रेजोल्यूशन. हमें वीडियो, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद करोगे तो हो सकता है सारे वीडियो पे एक एक करके आपको करना पड़े ये चीज, रिमेंबर दैट. ओके, सो एज सून एज यू कम इन, फर्स्ट थिंग टू बी डन इज टू चेक द रेजोल्यूशन, सो दैट आप लोग कोई आगे जाके डबल काम ट्रिपल काम नहीं करना पड़े कि हर एक वीडियो एडिट हो गया, अभी एक एक को सिलेक्ट करके आपको कैनवस में जाके उसको छोटा करना पड़े. Don't do that mistake. As soon as you come, first work in short में तो आके आपको canvas पे ये same चीज Premiere या कोई और editing software में भी सबसे पहले करना होता है. तो अभी मेरे को actually ये नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए था कि ये चीज मेरा एक software के लिए काम हो रहा है, sorry YouTube के लिए चाहिए मेरे को. अभी मैंने क्या कर दिया, उसको set to YouTube कर दिया. So YouTube पे कहीं कोई भी चीज ऐसे अटका हुआ नहीं दिखेगा, या अभी देखो कॉर्नर्स बराबर हो गए है ना, तो वीडियो विल बी परफेक्ट, इट विल नॉट हैव एनी एडिटिंग डिफेक्ट्स. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, सो विल मूव अहेड. या कोई टाइप कर रहा है कुछ? नहीं ना. ओके, नो. ओके, गुड. सो अभी मैं आपको दिखाता हूं, हमने सेट कर लिया इसको. नाउ एक्चुअल हमें समझना है कि वीडियोस को एडिट कैसे करेगी, कितना ये काम होता है. यू हैव टू सी द एंटायर वीडियो, पूरा वीडियो को ध्यान से देखो और सुनो. सो फर्स्ट काम क्या है आपका, इस तरह से वीडियो के स्टार्ट से पूरा वीडियो देखते जाओ. जैसे ये एंट्री मेरा, ये एडिट होना है, ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इतना वीडियो नहीं चाहिए. व्हाट विल आई डू इज आई विल यूज स्प्लिट ऑप्शन. व्हिच ऑप्शन विल आई यूज? स्प्लिट. लेट मी डू स्प्लिट नाउ. आई विल बी एक्चुअली क्लिकिंग ऑन स्प्लिट. लेट मी डू दैट. Can you see now the video has अभी वहां से वो एक हाईलाइट हो गया. अगर आप देखोगे, सिलेक्ट करोगे ना, ये देखो दो अलग अलग वीडियो हो गए. अभी लेफ्ट एंड राइट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं, सो ऑल आई हैव टू डू इज सिलेक्ट दिस वीडियो. अगर सपोज ये वाला वीडियो चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट पे प्रेस किया, गया. सो कीप इन माइंड, I'll repeat what I did. ऐसे मैंने suppose मुझे यहां से start करना है, ये यहां से I want to start my video from here. So I will click on split, क्योंकि इसके पहले का video मुझे ये वाला delete करना है. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहिए. मेरा video यहां से start होगा. तो अभी मैं अगर play करूंगा, ये जो button दिख रहा है आपको यहां पर, ये वाला, ये बटन प्ले के लिए. मीडिया
Am I clear till here? Okay. अब मेरा काम क्या है, पूरा वीडियो देखना, तो मैं वो पूरा देखूंगा तो अभी बहुत टाइम चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें चार वीडियोस बाहर से ऐड किए थे, तो ये रहा मेरा सेकंड वीडियो. आप देख रहे हो इसको पूरा एडिटिंग वापस, एडिटिंग नहीं, इसमें वापस जाके कैनवस में जाके 16:9 करके आई विल प्रेस दिस सो दैट मैंने अपना ये वाला इश्यू सॉल्व किया, जो पीछे जूम्ड वाला दिख रहा था ना, वो सॉल्व हो गया. मैं रिपीट कर रहा हूं व्हाट आई डिड. आई ओके प्रेस दिस एंड गो बैक. ओके कैन यू ऑल सी द इश्यू, दिस इज द इश्यू. इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, आई हैव टू गो टू कैनवस. मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू नो आप लोग के दिमाग में रजिस्टर हो जाए. एंड ऑल हैव टू डू इज प्रेस ऑन दिस. सो मैंने प्रेस किया, वो भी सॉर्ट हो गया. सो मैंने ये नेक्स्ट वीडियो कैसे लेके आया फटाक से, तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिंगर से आपको ये सेक्शन या मतलब यहां पर कोई भी, ये कोई भी सेक्शन पे जस्ट प्रेस करके रखो. अभी मैं करता हूं वो, आई विल जस्ट प्रेस एंड शो. ओके एनोटेशन स्टॉप करो. ये देखो प्रेस करके रखते ही आप लोग इस तरह से पूरा वीडियो देख सकते. फिर अगेन इसका भी एडिटिंग है ना, क्योंकि ये देखो ये फिर से मैं यहां एंटर हुआ. सो से मैंने एंटर किया, तो इसको वापस से ऐसे लेफ्ट में थोड़ा लेके आके स्प्लिट. और ये वीडियो जो इतना सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, डिलीट. उर्वशी आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब सिंपल लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, कैन यू गिव अ फीडबैक क्विकली, इज इट सिंपल नॉट सिंपल. Yes, it's simple. Thank you so much. Okay, so that's my whole agenda to make it simple. तो इस तरह से फिर मैं पूरा वीडियो आगे आगे लेके जा सकता हूँ. या तो प्रेस करके रखो वीडियो के ऊपर एंड गेट टू द नेक्स्ट वीडियो. अगेन इफ यू सी ये वीडियो पे भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एडिटिंग करने से पहले अगर आप लोग करोगे तो जितने फुटेजेस आपने कट किए छोटे छोटे छोटे, बिकॉज बहुत मिस्टेक्स होते हैं बीच बीच में, तो वो मिस्टेक्स पे आप बहुत सारे एडिट करते. तो अगर बिफोर सेटिंग द रेजोल्यूशन if you do that change, then you will have to do it individually for all three videos. Abhi to mere liye maine three videos liye the, to wahan to karna hi padega. Let's go into this video. Yahan se start ho raha hai. Ye video ka alag hi apna ek shot hai, ye close shot liya hai. To yahan par let's say main abhi isko fir se split kar raha hu ki mujhe video yahan se start karna hai. Let's say yahan se split delete. तो कैसे प्ले होगा, देखो प्रीवियस वाला ये, लेट से मेरे को यहाँ प्रीवियस वाला ये एंड वीडियो है, तो यहाँ एंड करना है लेट से, तो स्प्लिट इसको डिलीट कर देता हूं. अभी ये कंटिन्यूटी में कैसे प्ले होता है वो देख, ओके सो इस तरह से ये आपका नेक्स्ट शॉट में मर्ज हो रहा है. ऑलराइट, सो नाउ कुछ और चीजें भी हमें करनी होती है, जैसे ऑडियो पे काम करना है या फिर मुझे और फुटेजेस ऐड करना है. गलती से मैंने एक फुटेज ऐड करना भूल गया, तो आपको क्या करना है, ये वाले इस पे क्लिक करना है. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू ऐड मोर फुटेजेस, ऐड फोटो, वट एवर दैट यू वॉन्ट टू ऐड. प्लस साइन इसीलिए दिया गया है that you have, you can add with it. So I'll just clear all this mess for now. Yeah, and go back to add. So it is asking you, aapko blank chahiye ya video chahiye? Main bol raha hu mere ko video chahiye. So let's say if I'm adding another video, my dog, no. Let's say, yeah, main mera hi video ek aur le leta hu jo 10 second ka hai. And I click on this. So now if I double क्लिक एंड कीप, देखो 10 सेकंड का वीडियो आ गया है. ये एक ऑप्शन है. कोई वीडियो मेरे को लेट्स से
I'll quickly start my this video. I want it here, and this video I want in the end. ये कैसे करेंगे हम लोग? Select. अरे sorry, annotate नहीं करना. Select. ऐसे पकड़ के रखना है. ये सब finger से ही होगा. मैं pen से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे phone में pen है. But आप लोग को पकड़ के ऐसे आप drag कर सकते हो. और फिर मेरे को ये वाला first में लाना. मैं ये ड्रैग करके आ ओके सो इट्स वेरी सिंपल. आपको जस्ट जो करना है उसके लिए ये सारे स्टेप्स में इजी करके बता रहा हूं. अदरवाइज ये आपको खुद के प्रैक्टिस से या ढूंढ ढूंढ के ये सब करना पड़ेगा. मैं आप लोग के लिए सिंपल करके दे रहा हूं ये पूरा. अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है ये नहीं चाहिए. मैं बताता हूँ क्या नहीं चाहिए. आई फील लाइक क्लियर क्लियर. I feel that I don't want this video. I want to delete it. मेरे को निकालना है. तो कैसे करें? किस पे क्लिक करेंगे हम लोग? Delete. Delete. I don't want also, let's say, this video also I don't want. Okay. या तो फिर मेरे को ये first video नहीं चाहिए. Delete. So now all we are left with is these two videos. Now let's work on these two videos. अभी आप लोग ऑडियो पे काम कैसे करोगे? अनफॉर्चुनेटली इसमें से ऑडियो तो नहीं जा रहा है बराबर, बट ऑडियो पे काम कैसे करोगे? लेट्स सी दैट. यू हैव टू क्लिक ऑन म्यूजिक. मैं वापस करता हूं. आपको इस पे क्लिक करना है. तो ये वाले जगह पे इस वीडियो का ऑडियो फाइल होता है. ओके क्लियर. सो आई विल क्लिक ऑन म्यूजिक. सो नाउ इफ आई विल प्ले, दिस इज द एंटायर ऑडियो फाइल. ये ऑडियो फाइल है जो आप लोग अभी तक देख रहे थे. यहां पर ये वीडियो फाइल है. जब आप म्यूजिक में जाते हो, यू आर एक्चुअली गोइंग इनटू एन ऑडियो फाइल. फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो ट्रैक प्लस वाला ऑप्शन दिया है, दिस वन या दिस वन या दिस वन, ये क्या है? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ ट्रैक्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे को और कोई म्यूजिक ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक. सो लेट्स डू दैट. प्लस पे क्लिक किया मैंने ट्रैक्स पे. यहां से हम कोई ऑडियो पिक कर सकते हैं. ये फ्री है, यहाँ पर फ्री ऑडियो दिया गया है. सो लेट्स से ये 16 ट्रैक में से मैं कोई एक ट्रैक उठाता हूँ, कैक्टस. सॉरी सर. हेलो, योर वॉइस इज लो. ओके मेरा वॉइस लो हुआ है. ओके ओके नहीं, आई थॉट मैं कुछ म्यूजिक प्ले कर रहा था तो वो इसके थ्रू पास होगा करके, बट नहीं हो रहा है शायद. ओके ओके दैट्स फाइन. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये करना चाहता हूँ कि ट्रैक्स एंड लेट्स से इंडियन ड्रीम्स लूज Can you see an additional track is added? So this is the yes, track. मैंने एक नया म्यूजिक ऐड किया है टू दिस वीडियो. सो दैट बैकग्राउंड में जब मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक सूदिंग सा म्यूजिक भी. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो रहा है कि इसका आवाज, ये ट्रैक का आवाज बहुत ज्यादा है. इट इज मोर देन माई वॉइस. So click on volume. ये ट्रैक का आवाज मेरे आवाज से भी ज्यादा है, तो मेरे को गाना नहीं सुनना है. मैं वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ व्लॉग में वो सुनना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, ये वॉल्यूम पे रिड्यूस कर देता हूँ. इससे क्या होगा,
कि जब ये वीडियो प्ले होगा ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनेगा ही, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेगा, उसके साथ में एडिशनल ये कम वॉल्यूम के साथ ये म्यूजिक भी बजता रहे। ओके तो हमने ऑफिशियली क्या किया कि ये वीडियो में एक बैकग्राउंड स्मूथ सूदिंग एकदम सूटेबल वाला एक ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट करके ये ऐड किया। आई विल डू इट अगेन, मैं वापस से एक बार करता हूं। ऑल वी हैव टू डू इज क्लिक ऑन ट्रैक्स। ओके वी हैव टू क्लिक ऑन ट्रैक्स, कोई भी ऑडियो सिलेक्ट करो, इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। Can you see audio track आ गया है? Or this is all you have to do. इतना ही आपको करना है. Okay? दूसरा option भी है record. आप इसको record भी कर सकते हो. आपको कोई एक immediately आपको record पे click करके आप कुछ बोलोगे तो वो इधर directly वो आ जाएगा. Let's say we do that. Allow. Yes, so can you please add this to the record option? Can you see? नया audio आ गया जो मैं बोल रहा था ना अभी, वो record होके वो आ गया इसमें। So कभी हो सकता है कुछ miss हो गया, आपको नहीं आ रहा है, audio खराब हो गया, तो आप इस तरह से dubbing बोलते हैं इसको, dubbing करके भी आप लोग इसमें add कर सकते हो। So I will delete these two, क्योंकि नहीं चाहिए मुझे, डिलीट हो गया। ओके सो नाउ ऑडियो में से बाहर आते हैं हम लोग। अभी कुछ फनी चीज भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, बहुत अच्छे स्टिकर्स दिए गए हैं। कैन यू सी दे हैव गिवन सम गुड स्टिकर्स अलोंग विद इट। आप जिफ्स भी ऐड कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक एंड ये देखो ये इधर आ गया। आपको कोई एक पर्टिकुलर आपके डायलॉग पे कुछ फनी एक्ट कुछ दिखाना है, जिफ या ऐसे कुछ, तो आप लोग ऐड कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके आप सिर्फ मूव कर सकते हो, आप इसको एडिट करके इसको एक ट्रांजिशन भी दे सकते हो कि इस तरह से वो अपीयर होगा। Yes, ये इधर आ जाता है, एक और लेयर आ जाता है। जितना चीज आप ऐड करोगे उतने लेयर बढ़ते जाएंगे, ये इफेक्ट्स की तरह है। सो आई विल जस्ट क्विकली शो इट अगेन। मैं इसको डिलीट करता हूं। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा प्लीज फील फ्री टू इमीडिएटली आस्क। स्टिकर पे क्लिक कर रहा हूं मैं वापस बता देता हूँ एनोटेशन के हेल्प से। वी विल क्लिक ऑन दिस टू गेट दोज ऑप्शंस स्टिकर, एंड यू हैव सम गुड emojis also which you can add to the video. हाँ ये देखो ये अभी दिख रहा है यहाँ पर, अभी वो अपने इस पे आ रहे हैं कि आपको ये खरीदना पड़ेगा, आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हो। So you have to buy this for 65 rupees. So there will be few which you will have to buy, there will be few which will be free. ये देखो ये 32 स्टिकर्स फ्री है अगर मैं इसको क्लिक करूंगा। आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट नीड इट। ये देखो 190 रुपीस का स्टिकर्स है ये। तो दिस इज हाउ दे मेक मनी, बट ओनली इफ यू वांट इट टू बी, यू नो, अगर आपको नहीं चाहिए आप मत यूज करो। देयर आर सम टाइम्स हमें उसको इस तरह से दिखाना होता है फनी वे से, तो आप चाहिए तो ये पूरा क्लिप की तरह भी यूज कर सकते हो। You can actually just put it entirely above your video. इस तरीके से, मतलब मैं अभी just roughly बता रहा हूँ, आप लोग वो time पे ये layer, क्योंकि ये देखो ऐसे play होगा, क्योंकि ऊपर आप डाल रहे हो, ऊपर की तरफ है, तो हमेशा याद रखना जो यहाँ लेयर्स में जो आप लोग को दिखता है ना, ऊपर जब रहता है लेयर तो वो पहले दिखेगा कभी भी। आप देखो कि जब मैं ये आगे लेके जा रहा हूं तो जहां वो लेयर है
वहां पर वीडियो दिख रहा है, जैसे ही वो लेयर खत्म हो रहा है मेरा नीचे वाले लेयर पे जो वीडियो है वो दिख रहा है। सिमिलरली जैसे अभी आपने स्टिकर किया वैसे ही आप लोग टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। ओके सो लेट मी शो दैट। यू कैन इजिली टाइप, लेट से इफ आई वॉन्ट टू राइट डाउन log number 45. Okay, so this is my log number 45, which I want to be seen over here. तो और वो आके चला जाना चाहिए, ये आया clog. Oh, I'm sorry. अच्छा चलो, mistake हो गया मेरे से कि मैंने clog लिख दिया गलती से, तो क्या करना है, आप उसी को select कीजिए। ये देखो हो ही नहीं रहा है, बहुत सिंपल है, क्लिक ऑन एडिट, सब क्लियर कर देता हूं। जब आपने टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट में कुछ मिस्टेक हो गया तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्लिक ऑन एडिट। ओके एडिट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है वो देखो। सो हियर वी गो and we sort the issue with by changing it to blog number dot 45. We change the position. You can also use these options to actually stretch the video. For example, blog number 45 throughout the video rehna chahiye. Sorry. So, उस केस में आप ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे इसको तो क्या होएगा, ब्लॉग नंबर 45 और टाइम चल गया। सो मेजरली आप लोग क्या करते हो, यूज एडिटिंग करते हो, कटिंग मैंने वो कवर किया, रेजोल्यूशन मैंने वो कवर किया, म्यूजिक मैंने वो कवर किया, स्टिकर्स मैंने वो कवर किया, टेक्स्ट इधर भी है आप लोग यहां से भी यूज कर सकते हो। अनदर मेजर ऑप्शन कलर करेक्शन, हमने अगर स्लाइड में देखा था मैंने जो बोला कलर करेक्शन, हाउ टू डू दैट, सो सी दिस, यूज द ऑप्शन फिल्टर। अरे वाह, ऑटोमेटिकली फिल्टर पे ही है एनोटेशन, यूज द ऑप्शन फिल्टर। नाउ लेट्स गो इन टू दैट, बट ये सारे वीडियो को नहीं होगा, एक ही वीडियो पे आएगा, बाद में वाले वीडियोस को आपको फिर से करना होगा। ये देखो इस तरह से हमने जो फिल्टर आपको लगता है अच्छा है या फिर विजुअली विच यू फाइंड इज रियली गुड, इफ यू आर डूइंग एडिटिंग देन इट्स एज पर द डायरेक्टर, सिंस इट्स योर ओन ब्लॉग आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हो इस तरीके से, ग्लिच वाला इफेक्ट है ये, इसके साथ एक ऑडियो इफेक्ट भी डालेंगे तो और इंटरेस्टिंग बन जाता है, फ्लिप फ्लिप का एडजस्टमेंट, मिरर, ओह माय गॉड दे रियली लुक बैक। सो या दिस सॉर्ट ऑफ फनी सिचुएशन, जैसे ये देखो मोज़ेक कर दिया, दिखाना नहीं है वो टाइम पे, नियॉन प्रिंट, I'm just showing, ये मेरे suggestions नहीं है, मेरे को जो filters आपको दिखाना था मैं वो दिखा रहा हूँ। Last option is adjust. आप adjust use करके ये button use करते हो ना, तो इससे ये auto adjust वाला option दिया गया है। See, remember, ये these softwares are for you like एक cameraman के पास DSLR होता है, आप और हमारे पास एक फोन होता है जिसमें ऑटोमेटिक फोटोज निकलते हैं अच्छे, दिस इज समथिंग लाइक दैट, कि मेरे को ज्यादा काम नहीं करना है एडजस्टमेंट पे, ये फोन फटाफट कर लो यार, ये एडजस्ट कर लो, हाँ नाउ दिस लुक्स गुड फाइन, और एल्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बेटर ब्राइटर लुक देने के लिए, कैन यू सी द चेंजेस, शायद बहुत कम दिख रहा है इस पे बट शेडोज में चेंज हो रहा है अगर आप देखोगे क्लोजली, yes, yes. Shadows are changing. So warmth पे जाते हैं,
सो दीज आर दी अदर ऑप्शंस जो आप लोग यूज करके अपने वीडियो को बेटर कर सकते हैं. So I feel this video is good now and yeah, अभी हमें final stage पे जाना है. मेरे हिसाब से editing हो गया है, सब कुछ हो गया है, video मैंने कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई tools है नहीं जो आप लोग को use आएगा majorly. Yeah, that's it, done. Okay, now the final thing comes, especially for InShot, you have to keep in mind, can you see they have a logo over here. Abhi, this is probably why I use InShot is basically by clicking on the wrong button or yahan par jo ek chota sa icon diya hai, I'll just annotate that so that it's ye wala. That actually helps me to remove this watermark. Un log ko apna branding karna hai, but in log at the same time tumko option bhi dete hain कि तुमको निकालना है क्या. तो ये देखो ऑप्शन क्या है, रिमूव परमानेंटली 190 रुपीज, फ्री रिमूव अगर करना है तो आप फ्री रिमूव पे क्लिक करो, बट आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जबरदस्ती. तो आई प्रेफर दैट, मतलब मैं फोन साइड रख देता हूँ, मैं आंखों को आराम देता हूँ. उफ, डन. इतना ही आपको करना है. अभी आप लोग देख रहे हो जो यहाँ पर वॉटरमार्क था, इट इज नॉट देयर नाउ. नाउ यू कैन सेव द वीडियो, क्योंकि लास्ट मैंने कुछ जो चीजें सिखाई उसमें वीडियो सेव करना नहीं सिखाया था, तो मैंने आज वो लेसन सीख के आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि सेव कैसे करते हैं. यू हैव टू क्लिक ऑन एनोटेशन सेव बटन हियर, ओके, क्लिक ऑन दैट सेव. अभी ये सेव का ऑप्शन दे रहा है, फिर से एक एड प्ले कराएगा ये आपको, क्योंकि आपको ये वीडियो प्ले करके सेव करके देने वाला है. Now, always keep in mind, आपके पास तीन क्वालिटी ऑप्शन दे रहा है. पहले क्लियर ऑयल कर दो. 1080, 720, 640. आप लोग ये भी देखो कि हर एक ऑप्शन का फाइल साइज देखो जरा. है ना? तो जितना बड़ा फाइल साइज उतना क्लैरिटी, बट उतना हैवी. ओके? So, for YouTube, जब आप YouTube के लिए कर रहे हो, 720p is more than enough. Okay? I wouldn't, मेरे को problem नहीं है, आप 1080 भी करो, but याद रखना, वो video upload होते होते बहुत time ले लेगा. And quality में ज्यादा फर्क नहीं देने वाला है. Okay? YouTube ही क्यों? Anywhere. मतलब आप social media पे डालो, Instagram पे डालो, कहीं भी डालो. I have to watch this ad again. But मेरे लिए बहुत सिंपल है कि ये मेरा काम हो गया, ये वीडियो कन्वर्ट हो रहा है. ओके, एंड आई कैन एक्चुअली सेव दैट वीडियो लाइक दिस. मैं थोड़ा सिंपलर ऑप्शन लेता हूं. मैं सेव 640p. कि थोड़ा जल्दी सेव हो जाएगा ये, इसलिए मैं ये ऑप्शन ले रहा जी. ये इसी को बोलते हैं रेंडरिंग टाइम. सो इससे, सिंस वी हैव टाइम, मैं क्विकली एक सजेशन दे देता हूं. जितना आपका मोबाइल फास्ट, जितना हायर द मदरबोर्ड, जितना हायर द रैम इन इट, जितना स्पेस अवेलेबल है, ये सब फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि आपका कन्वर्टिंग वीडियो कितने टाइम में हो रहा है. ओके, ऑलवेज कीप दिस वन थिंग इन माइंड.
ये एंटायर जो मैंने शूटिंग मैंने फोन से किया, एडिटिंग मैंने फोन से किया, अभी जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है मैं यूट्यूब स्टूडियो पे जाके ये मेरा वीडियो अपलोड कर देता हूँ टू माई चैनल। सो दिस इज माई प्रोसेस कि हाउ मैं मेरा ब्लॉगिंग जो भी करता हूँ, दिस इज हाउ आई डू इट। एंड आई डोंट नीड अ डेस्कटॉप एट ऑल एट टाइम्स, या फिर एक, हाँ मुझे कभी कभी दूसरे कैमरा की कमी फील होती है, बट दैट्स फाइन। आई थिंक मैं एक ही कैमरा से आई एम एबल टू डू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे प्लानिंग अच्छा करना पड़ता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो या इफ यू सी ये ऑलमोस्ट रेंडर होके आउटपुट आने वाला है एंड क्विकली पोस्ट दिस वी विल सी द सेव्ड वीडियो। सो या आप लोग अपने saved इसमें जाके सो कैन यू ऑल सी नाउ वीडियो दिख रहा है आप लोग को? प्ले वीडियो, आई प्ले इट अगेन। अभी इसमें मैंने लास्ट में ग्रेन करके ऑप्शन डाल दिया था, तो वो ग्रेन ने अपना काम कर दिया, तो ग्रेन ग्रेन ऐसे लो क्वालिटी लग रहा है। सो ये पूरा वीडियो एडिट होके डन, इट्स रेडी टू बी अपलोडेड। ओके, एनी क्वेश्चंस इन द इनशॉट ऐप क्विकली शूट? Urvishi, anyone, any question, any query, let me know before we end the video. Dekho, Chedo, agar aapko app dekhna hai, open karke quickly dekho. No, sir. Okay, great, great. So I hope this video has actually helped you all. This session, jahan par maine quickly aap log ko idea diya on how to actually edit the video. मैं just stop share कर देता हूँ, so that so now I will share. The slide from this machine. Okay. आज का असाइनमेंट जो नहीं है पायल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद देम, दे प्लीज रिमाइंड देम दैट सर्टिफिकेशन विल बी गिवन ओनली व्हेन दे हैव डन द असाइनमेंट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे असाइनमेंट्स को, आज मैं जानता हूँ बंकिंग वाला सीन असाइनमेंट के से डर के वजह से ही हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट प्लीज tell them that they have to complete this assignment as well. Okay, so yes, and anywhere they want help in completing the assignments, they can connect to me, I'll help them. So today's assignment is to create a video on InShot. आप कोई भी वीडियो बनाओ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो एंड गेट मैक्सिमम लाइक्स। Am I clear on this? एक वीडियो एडिट करो सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे, वुड यू लाइक टू टैग काइजल? हाँ या, दैट नीड्स टू बी डन। सो दिस सिंपल थिंग नीड्स टू बी डन एंड एटलीस्ट वी विल वेट टिल संडे इवनिंग तक कि ये वीडियो तो कल अपलोड हो ही जाना चाहिए किसी भी हाल में, आज करने बोलो एंड लेट्स टेल देम टू अपलोड द वीडियो सो दैट दे एक्चुअली मेक understand कि उन्होंने ऐसा कोई एक session attend किया and they can actually tell a lot of people कि बाबा this is what they learned and it is very important, like Sunny Mins जो हमारा recent student जो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको उसका first job जो आया था that came because someone in their friend list उसके Facebook पे उसने देखा और उसको उसने suggest किया कि अच्छा तेरा काम अच्छा है, यहाँ यहाँ opening है, go ahead do it। So social media पे ये upload करना बहुत जरूरी है। Okay, so let's go ahead and end the session of today.